भाई और रुक 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 बकरा चेक कर भाई, आप लोगों को जादू दिखाता हूँ। इधर देखना आप, ओए यार इनको हमारी फीमेल रैबिट्स ने मार दिया यार। तो भाई दूसरा पैर भी गया, दो पैर डन हो चुके हैं जल्दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं कहता हूँ खैरियत से होंगे, लेकिन मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा आज अपसेट हूँ, क्योंकि आज बहुत ही बुरी बैड न्यूज़ ये है कि हमारे जो दो ब्लैक बेनीज है ना यार, इनको हमारी फीमेल रैबिट्स ने मार दिया यार। कल आपको पता है कि हमारे जो है दो तीन बनीज मरे थे, तो उस वजह से मैंने इन सब छोटे बनीज को जो है ना निकाल के बाहर छोड़ दिया था, ताकि ये सारे बाहर घूमते रहें, देखें खुश हो रहा है। इस वजह से मैंने इनको बाहर निकाल दिया था और मैंने बंद नहीं करा था। अब हुआ ये कि हमारी जो फीमेल रैबिट्स है ना यार, वो ब्लैक वाले बच्चों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, वो इतना इनको मार रही है। अब मैंने देखा नहीं, ये तो मैंने सुबह देखा कि ये दोनों मरे हुए, देखें इसके यहाँ पे जख्म बना हुआ है पूरा, और जो दो बनीज है ना वो बेचारे छुप के बैठे हुए थे ब्लैक वाले, उनको जो है फिर मैंने जो है ना मतलब सारी फीमेल रैबिट्स को मैंने पकड़ के ज़बरदस्ती फिर यहाँ पे बंद करा। फीमेल रैबिट सारी हमारी यहाँ नीचे बंद है और मेल रैबिट यहाँ बंद है, और अब बच्चे जो है ना रिलैक्स होकर घूम रहे हैं, और अभी भी कुछ फीमेल हैं लेकिन वो बाहर घूम रही हैं। तो यार मतलब बहुत ज़्यादा दिल उदास हो गया। वाइट वाले बच्चों को कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन ब्लैक बनीज को देख के पता नहीं क्यों इतना एग्रेसिव हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। आज जो है संडे का दिन है, तो मैंने सोचा है कि मैं जो है ना ये सारे मेल रैबिट फीमेल रैबिट में से जितना हो सकता है ना इनको लेके जाऊँ और मतलब निकालूँ यहाँ से यार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लड़ने लगे हैं यार। मतलब हमारे सेटअप पे सिर्फ चार ब्लैक बनीज आए थे, उनमें से दो मर गए, दो बचे हैं, वो नीचे बैठे हैं। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, वो देखें आप। अब यार मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे माइंड में ये था कि मेल रैबिट्स से लड़ते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था फीमेल रैबिट्स ब्लैक बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेंगी यार। आज तो पक्का मैं जो है ना अपने सारे मेल रैबिट्स को निकालने वाला हूँ यार। पहले मैं शेरू को बाहर निकालता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला केज चाहिए, इसमें डाल के लेके जाने पड़ेंगे कुछ। दोस्तों अभी मैंने ये वाला केज जो है तैयार कर लिया है, इसके अंदर जितने हो सकता है ना पॉसिबल उतने मैं डाल लूँगा। और अभी जो है हमजा भाई आ चुके हैं हमारे पास, तो हमजा भाई जो है सेटअप को आप बाद में देख लेना, आज मार्केट जाना है यार। आपको बैड न्यूज़ देखी आपने, हमजा ने देखा वो बच्चों को मार रहे हैं यार, आपस में लड़ रहे बच्चों को जो है ना, वो वाइट वाले हैं ना, ये वाइट वाले जो घूम रहे हैं बड़े, वो ब्लैक कलर के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं ये पता नहीं कौन है, उनको मार रहे हैं यार। मतलब पहली बार देखा मैंने, मतलब ऐसा पहले हुआ नहीं। ये जो है मुझे हिसाब किताब इनका समझ में नहीं आ रहा, तो आज मैं इनको लेके जाने वाला हूँ। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, बस इनको फटाफट डालता हूँ और लेके चलते हैं यार। तो मैंने जो है ना अपने सारे रैबिट्स इसके अंदर डाले, सारे नहीं डाले, आप टेंशन ना लें। फिर आप बोलेंगे कि यार आपने सारे रैबिट फेल कर दिए, आपको पता है यार इतना परेशान हो रहे हैं ना हम, क्योंकि ये आपस में बहुत लड़ रहे हैं। और एक पेयर जो है ना हमजा भाई ने लिया है, क्योंकि हमजा भाई एक टाइम से मुझे बोल रहे थे कि रैबिट मुझे भी चाहिए, तो मैंने जो है ना किसी वजह से नहीं दिए थे इनको, लेकिन आज फाइनली मैंने इनको एक रैबिट का पेयर दिया है, वो वजह इनको पता है मैंने क्यों नहीं दिए थे। तो खैर आज इनके पास एक रैबिट का पेयर इधर जा रहा है, और बाकी जो है ना हम मार्केट लेके जा रहे हैं, और कुछ आपके भाई ने रखे हैं, जैसे एक मेल वहाँ पे और दो से तीन फीमेल रखी हैं, और बाकी मैंने डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है ये सारे सेल नहीं हो सकते, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि इनको हम निकाल कर आए यार। दादा वजनी हो गया दोस्तों, नहीं मैं नहीं जा रहा आज, क्योंकि मेरी यार तबीयत सही नहीं लग रही। मैंने सलीम बोला आप कुछ चले हो, मैंने हमजा को बुलाया और हमजा इसके साथ जा रहा है। फाइनली भाई मार्केट पहुंच चुके हैं यार, और हम बहुत मुश्किलों से पहुंचे यार, बहुत मुश्किल से, देख रहे हो ना कैसे बैठे हैं हम लोग। अभी हम गाड़ी साइड में लगाते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है ना आपको मार्केट दिखाएंगे, और दुआ करेंगे हमारे रैबिट सेल हो जाए यार। आज बहुत रश है भाई साहब आज। फाइनली यार मार्केट पहुंच चुके हैं, और आते ही जो है ना हमें एक भाई मिल गया, जो अभी एक पेयर पसंद कर रहे हैं, इनको हम निकाल के देंगे। और अभी बताए इधर देख क्या हुआ, इसकी ब्लीडिंग आ रही है, पंजा वंजा मार दिया आपस। भाई साहब ये रास्ते में लड़ गया, घर से सही सलामत डाल के लाया, इसमें से एक मेल जो है ना हमारा वो रास्ते में ही लड़ चुका है, और उसने अपनी नाक जख्म कर ली है। अब मैं दिखाऊं कैसे ब्लड है, आपको पता है स्ट्राइक पड़ जाएगा। तो खैर आपको कौन सा पेयर चाहिए, एक ये चाहिए, अब ये पकड़िए, मैं जरा निकाल के दूँ भाई को, कौन सा देखूँ पहले, मेल है फीमेल है ये वाला। ठीक है, अब एक जोड़ा आते ही सेल हो चुका है, आते ही अभी हमारे पास बचे एक दो तीन, हाँ तीन जोड़े बचे, हम चार लाए थे, तो अभी इनकी नंबर लगी जाएगा, वाइट हेड लेने गया मैं। जल्दी जल्दी किसी तरह कोई स्कीम लगाओ यार, किसी तरह जो है ना जल्दी से बिक जाए बस। भाई फिर एक काम करते हैं, एक के साथ एक फ्री दे देते हैं। अरे यार इससे तो नुकसान हो जाएगा ना कंपनी का, ऐसे नहीं कर सकते भाई, एक के साथ एक, हाँ एक के साथ एक फीमेल फ्री, लेकिन पैसे हम उसके लेंगे जोड़ों के, एक जोड़े के साथ एक फीमेल फ्री। नहीं नहीं नहीं, एक मेल के साथ एक फीमेल फ्री। भाई दूसरा पैर भी गया, दो पैर डन हो चुके हैं जल्दी से।
टेंशन नहीं है यार, बहुत बहुत कस्टमर बहुत है अपने यूपी जगह। अभी इसके अंदर दो चार यार, एक एक्स्ट्रा आया क्या हमारे से? मैं तो पेयर बना के लाया था, पेयर बना के लाया था, एक दो तीन चार पाँच और दो पेयर हमने बेचे, एक एक्स्ट्रा आ गया हमसे गलती से, पता नहीं चला। तो भाई एक एक्स्ट्रा आ गया इसके अंदर, इसको भी बेचेंगे और अभी देखते हैं दो पेयर रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमारी जो रैबिट्स है ना वो सारे सेल हो चुके हैं और हमजा भाई बाइक लेके खड़े हुए हैं। जाना है, घर जा रहा है अब? नहीं, नहीं, अभी वीडियो अभी अब भाई, अब रैबिट तो सेल कर दिए ना, अब मार्केट घूमना है हमने, थोड़ा सा मार्केट का सर्वे कर लेते हैं, कोई नई चीज़ आई तो देख लेते हैं, कोई अच्छी लगे तो यार लेके भी चले जाएँ, खाली हाथ नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ इसके अंदर जो है ना एक फीमेल बंद है, जो आपको पता है रास्ते में आते हुए जख्मी हो गई, मेल रैबिट ने जो है ना उसके यहाँ कहीं पंजा मार दिया तो वहाँ थोड़ी सी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है ना, इस वजह से वो सेल नहीं हो भाई। तो खैर इसको घर लेके जाएंगे, इसके ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने खुद से सेल नहीं करी यार, असल में तेरे को पता है मैं सेल करूँगा ना लोग मार देंगे, वो केयर नहीं करेंगे, मर जाएगा। अब मैं घर जाके इसकी ट्रीटमेंट करूँगा, इंजेक्शन लगाऊंगा ना, फिर ये देखना इंशाल्लाह तीन दिन बाद दिखाऊंगा तेरे को, तू पहचान नहीं सकता कि भाई ये वही फीमेल है। चल अभी गाड़ी लेके गाड़ी को स्टार्टिंग करते हैं, ऐसे ही चलाते हैं और साथ साथ मार्केट का सर्वे कर लेते हैं कि यार मार्केट में कोई नई चीज़ आई है तो देखते हैं। सबसे पहले वहाँ चलते हैं ना, वहाँ पे बड़े तोते आए हुए हैं भाई साहब, यहाँ पे जो है सारे बड़े तोते हैं, सारे रॉ पैरेट्स हैं यहाँ पे जो है ना, आपको रॉ पैरेट नज़र आ रहे होंगे, इसके अलावा कोई खास चीज़ नज़र नहीं आ रही जो एक हटके हो, तो यहाँ पे भाई सारे रॉ है, इसके अलावा कोई बड़ा तोता नज़र नहीं आया। उस साइड जाके चेक करते हैं, वहाँ पे हो सकता है कोई नज़र आ जाए। आहा, यहाँ पर आया हुआ ना ये बैठा हुआ ब्लू गोल्ड मकाओ बैठा हुआ भाई, यहाँ पर हैं सारे बड़े बड़े पैरेट्स, अमेजोन और ये कौन से हैं पता नहीं दोस्त, ये कौन से हैं? पाइन एप्पल है और ये ग्रीन, और ये भी वही है पाइन एप्पल, और नीचे जो है ब्लू गोल्ड मकाओ। भाई का फेवरेट तोता यार ये, भाई को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको कहते हैं मोल्केन काकेटो, मोल्केन काकेटो। इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा पिंक ऑरेंज ऑरेंज कलर का शेड होता है, देखिए माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहा है यार। और इसके करीब अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर देखें कितनी वीडियोज़ बन रही हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप, मतलब हर कोई इसका दीवाना है यार, हर कोई, आपका भाई नहीं सारे इसके दीवाने हैं यहाँ पे। चीज़ ही ऐसी है, वो मेल है फीमेल? फीमेल है। फीमेल है, क्या डिमांड है इसकी? खरीदा है, बेचा नहीं है। बेचना नहीं है, खरीदा खरीदा। आपने खुद खरीदी है, कितने के लिए? 2000 रुपये की यार, बहुत ज़बरदस्त ली माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त यार। फीमेल केट 2000 रुपये की मिल गई यार, वरना फीमेल जो है हमेशा महंगी मिल रही होती है, उसके रेट थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। भाई भाई यार तोता पसंद आया है। कौन सा? मसला ये पैसे कम पड़ रहे हैं। कौन सा? अरे भाई मोल्केन काकेटो है, पैसे पता कितने कम पड़ रहे हैं? कितने? लगभग 275,000 रुपये कम पड़ रहे हैं भाई, ये तो पूरे कम पड़ रहे हैं, ये पूरे कम पड़ रहे हैं भाई, 275,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, बाकी कर लेंगे जमा करके। तोता ऐसा है, इधर आओ गाड़ी खड़ी करके मैं दिखाता हूँ, इधर आओ। है ये जो कम पड़ रहे हैं वो तू डाल दे, सही है ना भाई? तो पूरे कम पड़ रहे हैं यार, थोड़े से कम पड़ रहे हैं भाई, जल्दी से दे दो यार पैसे, ये वाला लेके चलते हैं, तबाही मच जाएगी अगर ये लेके गए तो। अब जो है ना हम निकलने की कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, कितने 3-3.5 घंटे हो गए ना हमें, तो भाई साहब हमें 3-3.5 घंटे होगा पता भी नहीं चला। अब हम निकलते हैं यहाँ से और आगे रश भी बहुत है, निकलते निकलते टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, चले हमजा भाई चलते हैं। आज हमजा भाई ने बहुत मदद करी भाई, नहीं तो अब मैं अकेला फंस सकता था भाई। और रुक 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 बकरा चेक कर भाई यार, माशाल्लाह सुनियो कितनी लंबी है इसकी, कौन सी नस्ल है भाई ये? जलतरो। जलतरो ये कौन सी नस्ल है भाई? ये कितने का है, क्या प्राइस है इसके? 130 या सिर्फ 30? 130 भाई, 1,30,000 रुपये का बकरा है। व्लॉग में आपको भी भाई, व्लॉग में इनको भी लो ठीक है, अच्छा भाई व्लॉग में इनको भी ले लो भाई, अब बकरा हम था भाई, अगर 30 का होता ना फिर तो ले ले, फिर तो ले ले, लेकिन 130 एक एक इनको बोलो बाद में ले लें, किस्तों में ले लेते हैं भाई, एक बार इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं भाई। वो तो है ख़तरनाक यार, लेवल का लग रहा है। सेल लगा दी मेरा भाई, सेल लगा दी, उड़ी माशाल्लाह भाई यार कितना खूबसूरत है यार, है देख रहो कलर कैसा प्यारा है भाई, छोटे बच्चे तो हर किसी के अच्छे होते, चाहे वो इंसान के हो या जानवर के हो, सारे खूबसूरत होते हैं। फाइनली यार घर पहुंच चुके हैं और हमने जो ये फीमेल हमारी जो जख्मी हुई थी ना उसको मैंने अलग करके जो है यहाँ पे, एक मिनट नीचे देख के इसलिए चलना पड़ रहा है क्योंकि ये खुले हैं सारे के सारे, इस वजह से नीचे देख के चलना पड़ता, नहीं तो कोई पाँव के नीचे आ जाएगा। वो फीमेल हमारी ये बैठी हुई, तो इसको जो है मैंने अभी थोड़ा सा दवाई शवाई लगा के इसको बैठा दिया है, तो ये भी आराम से बैठी हुई, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और हमारे जो दूसरे रैबिट्स जितने भी हम लेके गए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सब सेल हो चुके हैं, तो यार अब थोड़ी सी टेंशन रिलीज हुई है।
किस चीज की पता है? इन लोगों की, ये जो घूम रहे हैं ना छोटे छोटे हमारे बेबी बनीज, इनकी टेंशन जो है ना वो अब थोड़ी सी कम हो गई है, नहीं तो जो है सारे रैबिट्स इनको जो है नुकसान पहुंचा रहे थे, ये छोटे थे इस वजह से। खैर क्या कहूँ, आप लोगों को पसंद आया भी होगा या नहीं भी आया होगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा बोलेंगे कि आपने रैबिट सेल करके गलत करा। यार मजबूरी थी, इस वजह से सेल करना पड़ा है। अब लॉस मतलब नुकसान किसका था? हमारे बनीज मर रहे थे, जो छोटे थे ना उनको बड़े वाले मार रहे थे। अब बड़ों को बंद करूँ या छोटों को, ये समझ नहीं आ रहा था। तो अब हमारे छोटे भी एडजस्ट रहेंगे, और जो हमने रखे हैं रैबिट्स वो मैं आपको दिखाऊंगा कितने रखे हैं। रखे हुए हैं बहुत जल्द, और बच्चे भी आ जाएंगे। आपको पता है बच्चे बहुत आते हैं, भरपूर आते हैं, फिर हो जाएंगे। खैर आज के व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल हम और परिंदे को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह एक नई अलग वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।